नमस्कार बच्चों, इन द चैप्टर हु विल डू दिस वर्क टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर। सो फर्स्ट इज वर्क। वर्क क्या होता है? काम। वर्क इज अ जॉब दैट अ पर्सन डज मोस्टली इन ऑर्डर टू अर्न द मनी। हमें मनी कमाने के लिए जो वर्क करते हैं हम लोग, उसे हम काम कहते हैं, वर्क कहते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। अब काम भी कई तरह से होते हैं। काम जो जिससे हम पैसा भी कमा सकते हैं, कई बार हम काम के लिए पैसा नहीं भी लेते हैं, ऐसा भी काम होता है। तो बहुत तरह के काम हो सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं टीचिंग, टीचिंग एक जॉब होता है, पढ़ाना काम होता है। क्लीनिंग, सफाई करना भी एक काम होता है। सिक्योरिटी, जैसे पुलिसमैन करते हैं सिक्योरिटी, वो भी काम होता है। ट्रीटिंग पेशेंट्स, डॉक्टर करते हैं। इंजीनियरिंग, इंजीनियर लोग होते हैं, बिल्डिंग्स वगैरह का काम बनाते हैं, ब्रिजेस, ये भी एक काम है। सिंगिंग, गाना गाना, डांसिंग, प्लेइंग, ड्राइविंग, ये सारे काम होते हैं जिनसे लोग पैसा कमा सकते हैं और अपनी जीविका कमा सकते हैं। कम्युनिटी हेल्पर्स, हमारे कम्युनिटी हेल्पर्स कौन, हमारे आसपास के जो लोग हैं जो हमारी हेल्प करते हैं, वो कौन होते हैं? जो ये सारे काम करते हैं, वर्क करते हैं, ये ही सारे हमारे हेल्पर्स होते हैं। जैसे कि डॉक्टर जो पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, इंजीनियर होते हैं, टीचर, लीडर, प्लेयर, सिंगर, डांसर, ड्राइवर, एथलीट, प्लेयर, स्वीपर, ये सभी हमारी कम्युनिटी में हेल्प करते हैं कोई ना कोई काम करके। डिवीजन ऑफ लेबर। अब जो भी हम काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग उनका डिवीजन किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है। डिफरेंट पीपल डू डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क। अलग अलग तरह के लोग अलग काम करते हैं। दिस इज नोन एज डिवीजन ऑफ लेबर। नाउ डिग्निटी ऑफ लेबर। डिग्निटी ऑफ लेबर क्या होता है? द रिस्पेक्ट गिवन टू ऑल काइंड्स ऑफ लेबर इज नोन एज डिग्निटी ऑफ लेबर। मीन्स कि जो भी काम हो, छोटा या बड़ा नहीं होता, हर काम बराबर होता है। हमें हर काम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो सफाई वाला काम हो, चाहे ऑफिस में बैठने वाला काम हो, टीचिंग का काम हो, किसी भी काम को, सभी कामों को हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। अगर हम अपने काम को रेस्पेक्ट चाहते हैं तो हमें दूसरे के काम को भी रेस्पेक्ट देना चाहिए। अनटचेबल्स। अनटचेबल्स किसे कहते हैं? इन आर सोसाइटी द पीपल हु डिड वर्क लाइक स्वीपिंग, क्लीनिंग टॉयलेट्स वर कॉल्ड एज अनटचेबल्स। हमारी सोसाइटी में ज़्यादातर जो लोग सफाई का काम करते हैं उन्हें हम अनटचेबल्स कहते हैं, या लो कास्ट पीपल को अनटचेबल्स भी कहा जाता था। अदर नेम फॉर अनटचेबल्स। अनटचेबल्स को दूसरा नाम क्या कहा जाता है? अनटचेबल्स वर कॉल्ड एज हरिजन्स। जब गांधी जी थे उनके ज़माने में, उन्होंने नाम रखा था अनटचेबल्स को हरिजन्स को, हरिजन्स नाम दिया था। हरिजन मीन्स द पीपल ऑफ गॉड, भगवान के लोग। तो महात्मा गांधी ने ये हमें शिक्षा दी थी कि हमें सफाई कर्मी को या साफ जो साफ सफाई का काम करते हैं उनको हमसे उन्हें उनसे हमें घृणा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनका आदर करना चाहिए, क्योंकि वो इतना अच्छा काम करते हैं, हम लोगों को साफ सफाई देते हैं। एसेंशियल सर्विसेज। एसेंशियल सर्विसेज क्या होती हैं? जो ज़रूरी सर्विसेज होती हैं, ज़रूरी काम होते हैं। एसेंशियल सर्विसेज आर द जॉब्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिक्वायर्ड बाय अस इन आर डेली लाइफ। हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इनकी ज़रूरत होती है। द पीपल हु प्रोवाइड अस दीज सर्विसेज हेल्प्स इन द स्मूथ रनिंग ऑफ द सोसाइटी। हमारी सोसाइटी की स्मूथ रनिंग में, बहुत अच्छे से सोसाइटी चले, उसके लिए ये सर्विसेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं अपना चैनल माइलस्टोन।